किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई कुछ भी कहे, हमें हमेशा अंतरात्मा की ही आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ हमें हमेशा सच्चाई की ओर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसके जरिए हम जानेंगे कि हमारी अंतरात्मा सब कुछ देख रही है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने उस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई कोई तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था। क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे, सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम था रामास्वामी। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उस ऐसा बैठे देखा राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई न देखे। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छुपा सकते। इसका अर्थ यह है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? तभी सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छुपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूं। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर मन से छिपा नहीं रहता। अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है।
इसीलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूरी है कि मन की आवाज हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यही सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, मन की आवाज सुनिए और सही कार्य करते रहिए, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।